हाँ साइज का है पूरा एकदम। ये कौन सा? और ये भी एक कोरल है लेकिन नाम मेरे को नहीं पता। मिरर का भी काम कर सकता हूँ एंड उसके साथ साथ अपना ब्लॉगिंग भी मैं शुरू कर सकता हूँ। सो बेसिकली कैसे हो तुम लोग? बहुत दिन के बाद मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों से मिल रहा हूँ। सो मज़ा तो आ रहा है और आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है इस वाला ब्लॉग में। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल पॉन्ग बाइसेप्स। सो देखो भाई, अभी मेरे हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं है, आज मैं जाने वाला हूँ फिशिंग करने और फर्स्ट टाइम है समुंदर में जाना है। सो ब्लॉग तो इंटरेस्टिंग बनेगा, उसके लिए ब्लॉग को कंटिन्यू देखना है आप लोगों को। अभी बालों में मैं कुछ जेल वगैरह नहीं लिया, ऐसा मत सोचना। मैं मामा आर्ट का नॉर्मली एलोवेरा जेल मैंने यूज़ किया। ये फेस पे भी आप यूज़ कर सकते हो और बालों पे भी यूज़ कर सकते हो, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। और ये रहा मेरा लंच का दही, और ये मतलब फैट बर्न करने के लिए बहुत अच्छा है। सो इसलिए मैं ऑलरेडी एक ऐसा ग्लास मैंने ऑलरेडी खा लिया। अभी सेकेंड वाला ग्लास मेरा चल रहा है, दो ग्लास डेली का। या तो मेरा ओट्स पैकेट कहाँ गया? ये रहा मेरा ओट्स, या तो दही या तो ओट्स। बेसिकली हम लोग कोलकाता वाले लोग या तो तालाब में या तो नदी में हम लोग मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ समुंदर में मच्छी पकड़ने के लिए। सो मतलब उसका तो एक्सपीरियंस अलग ही होने वाला है। सो इसीलिए सोचा कि इतना दिन का भरपाई, इतना दिन का मैं ब्लॉग जो नहीं बनाया वो कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सो इसीलिए शुरू कर दिया मैं फिर से। मैं हो गया हूँ पूरा रेडी कैमरा का बैक पैक लेके, और इसके अंदर मेरा ट्राईपॉड है, मेरा मोबाइल है, मेरा मनी बैग है एंड ये कैमरा भी इसके अंदर जाने वाला। एंड सनग्लास लेना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना धूप है भाई सनग्लास तो चाहिए। और अभी टाइम है 3 बज रहा है, सो सूरज देवता एकदम ऐसे ऐसे प्रकट है। सो ये ले लिया मेरा नया वाला सनग्लास। सो फाइनली हम लोग आ गए बीच पे, और अभी यहाँ से हम लोग वॉक करके वहाँ तक पानी में जाना है मच्छी पकड़ने के लिए, डूंगी में बैठना है। डूंगी बोले सो हम लोगों का मतलब बंगाली में नाव बोल सकते हो, इंग्लिश में बोट बोल सकते हो और हिंदी में नाव बोल सकते हो। सो ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला कोरल है, ये भी एक कोरल है और ये भी एक कोरल है, लेकिन नाम मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे अभी मच्छी पकड़ने का प्रिपरेशन चल रहा है। ये इसको क्या बोलते हैं, डोरी ना? ना अभी डोरी बांधा जा रहा है। ये वाला हो गया है रेडी, और यहाँ पे एक तैयार हो रहा है। लगता है एक फंसा है। ओ देखो तो एक फंस गया, ये वाला एनकाउंटर में मारा गया। हुआ हुआ, दूसरा भी हुआ। जैसे सेम लगता है, नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है,
चलो दो हुआ, आएंगे बड़ा वाला भी आएंगे, इससे तेल को सकता है। ओ जेलीफिश फंसा इधर, वीडियो निकालो फटाफट, निकाला निकाला, तो सुअर बची है आज। ये फेंकना पड़ेगा, आज ही बात करते जरा लो, सुअर बची हमारे में। ये क्या मच्छी? सुअर मच्छी, सुअर मच्छी, इसको टिगर फिश बोलते, टिगर फिश, टिगर फिश। देखो जैसे कि वैसे ही है, खाया नहीं मच्छी। इसको खाता नहीं है क्या कोई? हाँ खाते है, चमड़ा निकाल के, चमड़ा निकाल के खाते इसको, नहीं तो मोटा रहे चमड़ा। अच्छा सुअर मच्छी बोलते। हाँ साइज का है पूरा एकदम। ये कौन सा मच्छी है? ये है पूटी मच्छी, पूटी समुंदर का, समुंदर का पूटी। इसमें कांटा नहीं है, बीच वाला कांटा है। अच्छा